बिहार सबौर बाबूपुर ट्रिपल आईटी भवन के पीछे रह रहे तकरीबन 100 परिवारों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि दियरा क्षेत्र का मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया है। हम लोग 10 दिन से भूखे प्यासे घर में अपने मवेशियों को चारा नहीं दे पा रहे हैं, अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। अभी हालत ऐसा है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। बाउंड्री ऊंचा करके चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, जिसमें बारिश का पानी 4 महीना तक हम लोगों के क्षेत्र में फंसा रहता है, जिससे बारिश का पानी फंसने से 200 से अधिक आम का पेड़ भी मर चुका है। अभी तक वन विभाग को इसकी कोई सुध नहीं है। 4 महीने तक हम लोगों को बरसात के गंदे पानी में रहना पड़ता है, जिससे अनेकों खतरनाक बीमारियां फैल रही है। हिंदू धर्म के लोग आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व घाट जाकर मनाते हैं, वह भी बंद हो गया है। माघी पूर्णिमा हो या गंगा स्नान, सब कुछ बंद हो गया है। हजारों लाखों की संख्या में किसान अपनी खेती से वंचित हो गए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद हम लोग की झोपड़ी जला देने की धमकी देते हैं। इससे निजात दिलाया जाए वरना आंदोलन उग्र होगा, वरना पूरा गांव आत्महत्या कर लेगा। हमारी मांग है कि 20 फीट जो है कि NH से गंगा नदी तक जो है कि रास्ता मिल जाए, जिससे कि हम लोगों का सारी सुख सुविधा जो है कि हम लोग किसान वर्ग के हैं, सब कुछ हमको मिले, अनाज का हम लाएं, अपना मवेशी का चारा लाएं, और जो है कि छठ व्रत जितना भी हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति सभ्यता जुड़ी हुई है हमारी गंगा माता से, वह सारे चीज का जो है कि हम गंगा माता से जुड़े, इसलिए हम लोगों को 20 फीट यहाँ रोड चाहिए। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसको जो है कि हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे और यहाँ नारा भी लगाएंगे कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 भागलपुर का प्रशासन मुर्दाबाद, 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 यहाँ का DM मुर्दाबाद। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज अभी भी 25 तारीख से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। अगर हमको कहीं कुछ होता है तो इसका जवाबदेही भागलपुर के प्रशासन होंगे और इस कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, IIT ट्रिपली के प्रिंसिपल होंगे। अगर हम लोगों को कहीं कुछ होता, हम लोग सब भूख हड़ताल पे हैं, 25 तारीख से बैठे हैं यहाँ टेंट गाड़ के, और हम मांग पूरा नहीं हुआ तो मांग पूरा होगा तो हम लोग NH जाम करेंगे, सरकार के विरुद्ध रोड पर उतर जाएंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम है दीपक कुमार और ये यही हम एक शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। आप लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? मांग है हमको कि देखिए, हमको तो अब जिंदगी चला गया, लेकिन मेरा बच्चा बुतरू होशियार हो रहा है। अगर सघर बंदी हो गया तो मेरा बच्चा बुतरू कहाँ से चलेगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? मेरा रास्ता खुला रहेगा तब नहीं मेरा बच्चा कमाएगा, खाएगा और जुक्ति लगाएगा। ये सघर बंद हो गया, इस रोड में पानी होता है, नाली का जुबूत नहीं है, रास्ता नहीं है, हम कैसे बाहर होगा? कैसे हमको नाली का पानी बाहर होगा? अगर सरकार हमको देगा जुबूत जाने के लिए तब भी हम बाहर होगा, और मेरा बच्चा का लायक जिंदगी चलेगा खेती बाड़ी में, हमको तो अब गुजारा चल जाएगा, लेकिन बच्चा हमको कैसे जाएगा? मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? मांग पूरा नहीं होगा तो हम रोड जाम करेगा, सरकार को हम वोट नहीं देगा, जनता पर वोट मिल रहा है, अगर सरकार ने जनता को नहीं देखेगा तो वोट कैसे मिलेगा? हम लोग जो है कि वोट का ही आगे आगामी जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुदा देवी, घर है नया टोला मीराचर। पति का नाम? पति का नाम वकील मंडल। भागलपुर से राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट IND 365।